हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो वो अभी के टाइम पे अंडर प्राइज है कि ओवर प्राइज है, क्या अभी के टाइम पे इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पार्शियली, उसके ऊपर हम जज करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है, ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट्स अपने निफ्टी लो के बाद रैली किया है, राइट। क्योंकि कंटिन्यूसली एफआईआई अपना स्टेक या कहो तो बाइंग करते जा रहे हैं। तो आप अगर इसका एफआईआई का डेटा भी चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यूसली एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, राइट। और मार्केट के अंदर में एक बुलिशनेस क्रिएट हो रहा है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट एक तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर वो गैप अप जो गैप डाउन जो ओपनिंग हुआ था उसको क्लोज कर दे 17,600 के ऊपर, तो मार्केट में शायद अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है टेम्पररी। सो हम फिलहाल डिस्कस करने वाले कैसे कोई स्टॉक को जज करे कि स्टॉक अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है, और इसी मेथड का यूज करके इस लास्ट 6 मंथ में हमने मार्केट से पैसा बनाया है, राइट। तो आ जाते हैं, जैसे कि मुझे जानना है एशियन पेंट बीच में आप याद रहेगा 2560 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था मेरे फ्रेंड ने, ऑलमोस्ट 25 क्वांटिटी हमने ट्रेड के लिए बाई किया था इस भाव पे 2600 के आसपास पे, राइट। क्यों बाई किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एशियन पेंट का स्टॉक हम जानते हैं कि फिलहाल ये ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है, तो मैं क्या करता हूं यहां से मैं इनका जो स्टॉक प्राइस है, सॉरी स्टॉक प्राइस पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी का पी मल्टीपल मैंने चेक किया था, तो अभी के टाइम पे 93 के आसपास कंपनी का पी मल्टीपल है, और लास्ट 3 इयर्स का या 5 इयर्स का एवरेज पी मल्टीपल इज 5 इयर्स का इज अराउंड 65, 3 इयर्स का अराउंड 86। तो हमेशा आपको 3 इयर्स का पी मल्टीपल कंसिडर करना है, राइट। और बीच में ये स्टॉक का जो पी मल्टीपल है ऑलमोस्ट आप देखो 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो पहला फैक्टर मुझे यहां पे मिल गया कि स्टॉक मेरा अंडर प्राइस हो चुका है, क्योंकि 3 साल का एवरेज पी निकालू तो 86 है, और अभी का पी अगर देखें तो 80 के आसपास पहुंच चुका है 17 जून की अगर हम बात करें, मतलब ऑलमोस्ट 6 पॉइंट डाउन है, मतलब थोड़ा सा रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी था। सेकंड मैं यहां पे चेक करता हूं कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 24.2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, नो डाउट अ ग्रेट कंपनी। कलर कंजम्पशन या पेंट कंजम्पशन इंडिया में और इंक्रीज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट का बूस्ट होने वाला है इंडिया में आने वाले कुछ वक्त में, 3-4 साल 5 साल में आपको ज्यादा दिखाई देगा। और बीइंग अ मार्केट लीडर एक तरह से को 70% मार्केट शेयर, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, और कंपनी इसी में नहीं और भी किचन वेयर्स या दूसरे इसके अंदर में भी कंपनी एक्सपांशन कर रही है। तो 24.2 टाइम्स के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू करंट दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले अगर प्राइस टू बुक वैल्यू आप चेक करो बीच में कितना आ चुका था, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 17.9 मतलब 18 के आसपास ट्रेड कर रहा था, राइट। अगर हम थ्री इयर्स का एवरेज निकाले तो 19.7 दिखा रहा है, और बीच में स्टॉक ऑलमोस्ट अपने फेयर प्राइस मतलब 2 पॉइंट नीचे आ चुका था, मतलब स्टॉक अंडर प्राइस हो चुका है। ये इस तरह से मार्केट में करेक्शन हो तो लार्ज कैप कंपनीज को आप जज कर सकते हो। उसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो आप चेक कर लो, अभी के टाइम पे 10.4 का दिखा रहा है, मतलब 1 रुपए के बदले कंपनी 10 रुपए कमा करके दे रही, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां से भी वेरीफाई कर लेना जरूरी है मार्केट टू सेल्स या जो भी आप कंसिडर करना चाहते हो। तो बीच में अगर 3 साल का एवरेज निकाले तो 10.7 है जो अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और बीच में ये 9.1 के आसपास आ चुका था, मतलब जितना उसका पोटेंशियल उससे कम पे अपना वैल्यूएशन दिखा रहा है, मतलब स्टॉक कंप्लीटली अंडर वैल्यूड हो चुका है। और लास्ट और फाइनल चीज जिससे हम कंफर्म करते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कंपनी का जिस हिसाब से ग्रोथ है अर्निंग में तो उससे वो कंपनी अच्छा नंबर रिपोर्ट करेगा, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं 4-5 क्वार्टर का कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है वो कंसिडर कर लेते हैं, और उसको मैं पेस्ट करता हूं यहां पे ईपीएस फॉरवर्ड वैल्यूएशन मेथड, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप वेरीफाई कर पाओ जो आपका स्टॉक है अभी एंटरप्राइज है कि नहीं। तो ये एक्सपेक्टेड है सितंबर 2022 में 9657 करोड़ के आसपास का सेल्स नंबर रिपोर्ट कर सकता है एवरेज ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद यहां पे कंपनी का ईपीएस आप देखो कंटिन्यूअसली अच्छा खासा डिसेंट है, तो यहां पे ईपीएस भी क्लिक कर लेते हैं, तो ईपीएस यहां पे मैं फिल करता हूं, राइट। तो यहां पे ईपीएस भी मैंने डाल दिया, तो इसका 12.68 टाइम के आसपास ईपीएस दिखा सकता है सितंबर में, और कंपनी का लास्ट 6 मंथ का एवरेज पी मल्टीपल क्योंकि हमारा पोजीशन 6 मंथ के लिए था तो ऑलमोस्ट हमने इसमें 34-35% का रिटर्न जनरेट किया है, मतलब ऑलमोस्ट कहूं तो 24,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया है ये मेथड यूज करके सिंपल। तो इसके अंदर में अभी के टाइम पे 3 इयर्स का अगर एवरेज पी निकाले तो कितना था, चलो मानते 86 था, राइट। 86 डालता हूं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस होना चाहिए था 4,000
4091 रुपीस के आसपास, मतलब स्टॉक काफी पीछे जा चुका है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन की वजह से और बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, राइट। लेकिन अगर हम एकदम लोएस्ट पीई पे जब ये कंपनी आया था 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 80 का पीई अगर डालें तो कंपनी 3806, मतलब अभी भी जिस प्राइस पे आपको एशियन पेंट मिल रहा है वो अंडर प्राइज्ड है। अभी के टाइम पे आपका एशियन पेंट का जो स्टॉक है कितने पे ट्रेड हो रहा है आप यहां पे देखोगे 3486, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब क्यों जा सकता है, यहां पे आप चाहो तो एशियन पेंट का चार्ट्स आपको स्टडी करना आना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने का हायर प्रोबेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने का हायर प्रोबेबिलिटी है। यहां पे मैं डार्क कर देता हूं, आप चाहो तो इसको जोन भी कंसीडर कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा ये कलर दे देता हूं, राइट। आप देख सकते हो ये यूज करो या ये यूज करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और भी दो तीन स्टॉक से मैं वेरीफाई करके दूंगा, ये जो आपका है ये एक जोन है जिसको अगर ब्रेक करेगा तो आपका एशियन पेंट अच्छा खासा रैली करेगा, क्योंकि 6 महीने जो स्टॉक पिछले साल ऑलमोस्ट कहूं तो 9 to 10 months से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली 10 महीने के बाद तो उभरेगा। तो ऑलमोस्ट हमने यहां पे बाई किया 2600 के आसपास, जिससे हमको अच्छा खासा इस स्टॉक के अंदर में रिटर्न जनरेट करने को मिला है। ऑलमोस्ट यहां पे देखे तो हमने 32-34% के आसपास रिटर्न बना रहे, और अभी भी हम इसको होल्ड करने वाले हैं फॉर टेम्पररी ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 3 months के आसपास। अगर मार्केट स्टेबल होता तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा। यही स्टॉक नहीं, इससे और भी स्टॉक्स आप वेरीफाई कर सकते हो, मैंने खुद आपके सामने में आई थिंक एक स्टॉक बाय किया है, यहां पे सर्च कर लेता हूं, विप्रो भी बाय किया हुआ, विप्रो ले लो, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, आपका बहुत सारी बजाज फाइनेंस 5200 के आसपास, सारा का सारा स्टॉक हमने इसी तरीके से वेरीफाई किया है, क्योंकि इसके अंदर में आपको ना डीसीएफ का झंझट है, ना बैंकिंग इंश्योरेंस या एफएमसीजी या दूसरी कंपनीज को जज करना है, आपको सिर्फ इनके अर्निंग के हिसाब से कंपनी को जज करना पड़ता है। तो यहां पे आप देखो स्टॉक पी मल्टीपल आपका 20 के आसपास है, इस स्टॉक पी मल्टीपल 5 years या 3 years का देखो, 3 years का पी मल्टीपल ऑलमोस्ट 20 के आसपास, स्टॉक अंडर प्राइस हो चुका है एकदम फेयर प्राइस के आसपास, और इसी भाव के आसपास मैंने बाय किया, क्योंकि आपका निफ्टी आईटी एक तरह से बॉटम बना रहा, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। उसके बाद इनका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें 3.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी के टाइम पे इनका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.66 के आसपास, मतलब अभी भी ज्यादा इसके अंदर रैली नहीं हुआ है, और इस स्टॉक के अंदर में अभी मैं फिलहाल 7% के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, राइट। तो इसमें मेरा और प्लानिंग है और लंबे समय तक थोड़ा सा होल्ड करने का। इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो या मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अराउंड 3.2 का दिखा रहा है 3 years का एवरेज, और यहां पे ऑलमोस्ट 2.92 के आसपास का दिखा रहा है, मतलब स्टॉक काफी जो पोटेंशियल उससे नीचे ट्रेड कर, मतलब अभी भी स्टॉक के अंदर में 10% मुझे मिलेगा, और इसमें मैंने बना के रखा 7% का रिटर्न फिलहाल जनरेट कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, कंपनी का लास्ट 5 quarter का ले लेता हूं अर्निंग्स नंबर, तो यहां पे मैं अर्निंग्स नंबर डाल देता हूं सेल्स, उसके हिसाब से कंपनी इतना नंबर रिपोर्ट करने वाली है। ईपीएस का नंबर भी ले लेते हैं, कंपनी का अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना है, ये है, ये कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पे देखो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, ये कंपनी क्या होता है ना काफी कंसोलिडेट में रहता है, तो यहां पे विप्रो में आपको रिस्क काफी कम मिलता है और रिटर्न थोड़ा बहुत डिसेंट बन जाएगा, तो उसके हिसाब से स्टॉक मैंने बाय किया है। अगर आपको और अच्छी कंपनी चाहिए तो जिसका ईपीएस ग्रो होता हो वो कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस कंपनी का पी मल्टीपल अगर हम देखें 3 years का एवरेज अराउंड 21 के आसपास है, और 3 years के आसपास ही ट्रेड कर, मतलब स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के आस प्राइस पे, मतलब इस भाव पे आपने अगर बाय किया तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे मैं 21 डाल देता हूं, राइट। तो 21 के हिसाब से कंपनी जो आपको 925 रुपए का टारगेट दिखा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है मेरे ख्याल से, राइट। और अभी के टाइम पे स्टॉक कितने भाव पे चल रहा है आपका, ऑलमोस्ट 439। लेट्स एक्सपेक्ट कि कंपनी ने अपना 740 का हाई बनाया था, राइट, 740। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये कंपनी का पी मल्टीपल मैं सोचता हूं कि आने वाले 6 महीने में भी कंपनी का ईपीएस इसी हिसाब से ग्रो होगा। तो मैं करता हूं यहां पे कंपनी का ईपीएस जो पी मल्टीपल ऑलमोस्ट 17 के आसपास का लेता हूं। अगर 17 का भी लू तो भी कंपनी 750 का हो जाता है, अगर यहां पे 15 का पी मल्टीपल लू तो कंपनी 660 का होता है, जो मतलब अभी भी अगर आप देखो जिस भाव पे है वहां से बहुत नीचे, मतलब विप्रो भी अंडर प्राइस आपको मिल रहा है। तो इसी तरह से आप स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हो। फिर केपीआईटी टेक्नोलॉजी,
भी आप यहां से जज कर सकते हो। केपीआईटी टेक्नोलॉजी नो डाउट अ वेरी गुड कंपनी। इसके अंदर तो मैंने आपको कैंसिल मेंटल मॉडल बताया है, इसके अंदर में स्टॉक के अंदर में प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहां पे सारे के सारे मूविंग एवरेज एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और यहां पे कैंसिल मेंटल मॉडल का कंटिन्यूअसली कंपनी का ईपीएस ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है। लेट्स सी कि कंपनी का आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर फोरकास्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो यहां पे मैं डाल देता हूं, उसके बाद कंपनी का ईपीएस जो कंटिन्यूअसली लास्ट 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंसी एक दिखा रहा है ग्रोथ के अंदर में, राइट। और यहां पे मैं ये भी डाल देता हूं, और कंपनी का जो पी मल्टीपल है लास्ट कुछ पी मल्टीपल कितना दिखा रहा है कंपनी का, 5 ईयर्स का तो नहीं ले सकते क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी में ग्रोथ आना चालू हुआ है, तो 1 ईयर या 2 ईयर्स का आपको लेना है। 53 का दिखा रहा है, 3 ईयर्स का अराउंड 33 का दिखा रहा है, तो हमको कम से कम 40 के आसपास का लेना पड़ेगा। तो अभी 47 पे ट्रेड कर रहा है, और बीच में इस कंपनी का पी मल्टीपल आई थिंक जितना भी नीचे आया था लास्ट आई थिंक 48 के आसपास का रुका हुआ है, 1 ईयर के हिसाब से देखे तो लोएस्ट पी मल्टीपल यहाँ नहीं दिखाएगा। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 53 के आसपास का मीडियन दिखा रहा है, तो हम इसको 40 के आसपास कंसीडर करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कंपनी का पी मल्टीपल 40, राइट। तो उसके हिसाब से कंपनी आपको 523 के आसपास अगर आपने एंट्री किया तो डेफिनेटली गुड पॉइंट। तो मैंने 503 रुपये के ऊपर अभी रिसेंट वीडियो बनाया था, 98 रुपीज पे तो बनाया ही है, और ये स्टॉक का पी मल्टीपल अगर करंट प्राइस पे भी ट्रेड होता जिस हिसाब से कंपनी का अर्निंग है ऑलमोस्ट अगर हम देखे थे 46 या 47 जो भी था, तो उसके हिसाब से स्टॉक आपको 602 रुपये का तो आराम से टारगेट दे रहा, तो इसमें टारगेट 675 के आसपास का फिलहाल बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप जितनी भी स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में आप वेरीफाई करो उनके अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से। अगर मुझे आपकी जगह पे अगर वेरीफाई करना है कि मेरा स्टॉक अभी के टाइम पे अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कंपनी का पी मल्टीपल अभी कितने पे है और लास्ट 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स का एवरेज पी मल्टीपल कितना है। सेकंड चीज मैं वेरीफाई करूंगा कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज कितना है और अभी का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है। नंबर 3 मैं एक्सपेक्ट करूंगा कंपनी का मार्केट टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना रहा है लास्ट 3 to 6 ईयर 5 ईयर्स का एवरेज और अभी कितने प्राइस टू सेल्स रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कंपनी का क्या अर्निंग ग्रो हो रहा है, यहां पे मतलब क्वार्टरली वाइज कंपनी का अर्निंग ग्रो हो रहा है क्या, कंपनी का ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है क्या, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है क्या, ये सारा का सारा चीज वेरीफाई करता हूं यहां पे ग्रो हो रहा है। उसके बाद मैं और चेक करूंगा कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो हो रहा है क्या, तो एक टाइम के लिए तो यहां पे ये भी मालूम पड़ जाता है कैश फ्लो ऑपरेशन ग्रो हो रहा है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कंपनी के अंदर क्या एफआईआई और डीआई का अच्छा स्टेक है कि नहीं, तो उसके अंदर देखूंगा तो काफी अच्छा खासा स्टेक है। तो ये तरीका मार्केट करेक्शन में ना बार बार आपको बिजनेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में कुछ चेंजेस नहीं आते, मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है उसके वजह से मार्केट में करेक्शन होता है, और इसके लिए हमारा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट कहूं तो मेरा 23% डाउन था, अब आई थिंक वो काफी सिमट करके 4% 5% पे आ चुका है। बहुत सारे लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं जो भी सर्विस लेते हैं जो लर्निंग रिलेटेड, उनका जो पोर्टफोलियो था 25% भी डाउन था, अब वो 4% 3% के आसपास आ चुका है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट भी बना लिया इसके अंदर में। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड दोनों ही करना इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज वेरीफाई करें। मैं इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा वहां पे, आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहां से ले सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच, कल किसी और बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, थैंक यू सो मच।